राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था वो विभव कूप के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल वेल। और पोटेंशियल वेल में अपन ने जो इक्विलिब्रियम जो होता है, संतुलन के बारे में बात की थी, ठीक है। उसमें भी दो तरीके के बताए थे मैंने, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रियम को मैंने दो तरीके से बताया था, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। उनकी डिस्कस किया था और कब पार्टिकल स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल पे है ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था, ठीक है। अब वहीं से SHM की शुरुआत होती है, ठीक है। वो जो अपन ने पढ़ा था वो एक जो परफॉर्मा अपन ने तैयार किया था, एक जो ग्राफ बनाया था, उसी ग्राफ से अपने पास में क्या होता है, जो SHM होता है वो स्टार्ट होता है। कैसे, देखो मैंने ये बताया था आपको उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपन पहले एक बार को स्टडी क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये SHM के अंदर अपने को सीधा सिंपल यही पढ़ना है आज, ठीक है। ये जो टॉपिक होगा ना आज का अपना, वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सरल आवर्त गति, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है, स्टडी करना है आज। अब इसको स्टडी करने से पहले अपने को फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, और फिर अपने को रिक्वायर्ड कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई अपने को किस तरीके से क्या कहते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण SHM कर रहा है तो अपन मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि वो SHM ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, SHM को ही बनाएगा। तो ये अपने कैसे करेंगे, देखो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर मैंने विभव कूप बनवाया था आपका, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से था, ध्यान देना, इस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉइंट लिए थे, या फिर मैं सेम वैसा ही बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ था और ये जो पॉइंट था अपने पास, ये जो पॉइंट था P, ये यहाँ पर अपने पास में कौन सा था Q, ये R, और ये कौन सा पॉइंट था S, ठीक है। इनको नाम दे रखा था मैंने A और B, और ये किस किस के बीच में ग्राफ था, U और U ऑफ X, ठीक है, U और U ऑफ X, इसके बीच में अपने पास में क्या था, ग्राफ था। और ये जो ग्राफ था आपका कैसा था, कंटिन्यूस ग्राफ था। कैसा ग्राफ था, कंटिन्यूस, सतत बोलते हैं इसको, ठीक है, सतत वक्र था ये। अब इसमें अगर मैं बात करूँ आगे, तो हमने ये बताया था, मैंने पेंडुलम से भी आपको एक एग्जांपल लेके समझाया था कि किस पॉइंट पे अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम होगी और कहाँ न्यूनतम होगी, ये मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, तो जो अपना पी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हुआ करता था, इसको अपन बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्थाई संतुलन, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, स्थाई संतुलन, ठीक है। और इसी पॉइंट पर अपने पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। इसी पॉइंट पे अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को या कोई भी अपने पास में कण है वो इस विभव कूप के अंदर बद्ध है, मैंने बद्ध अवस्था के बारे में बताया था कि उसकी एनर्जी कैसी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है, बाध्य ऊर्जा से क्या होती है अपने पास में, कम होती है। तो अगर कोई पार्टिकल आपका, ठीक है, जैसे कोई भी कण है आपका, मैंने उसको क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया यहां तक, इस पॉइंट तक ले गया मैं, ठीक है। तो इसको और मैं थोड़ा सा क्लियर आपको बना देता हूँ, एक मिनट ध्यान देना, ये पॉइंट, ये पॉइंट अपने पास में P है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, X नॉट है,
और इसको कहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया मैंने, एक्स तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया इसको, एक्स तक डिस्प्लेस कर दिया मैंने हल्का सा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी अपने पास में, मिनिमम, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी आपके पास में, मिनिमम, न्यूनतम होगी इस जगह पे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर हल्का सा क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया एक्स, बहुत स्मॉल है ये, सॉरी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये छोटी वैल्यू अपन ने डिस्प्लेस कर दी है हल्की सी, तो एक बात बताओ मुझे, इस पूरे, अगर हमारे पास में, एक चीज़ ध्यान देना, अगर हमारे पास में कंटीन्यूअस कोई भी कर्व आता है, कोई भी अगर वक्र कैसा हो, कंटीन्यूअस हो, और उसमें अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम पॉइंट पे बात करें, तो उसको हम टेलर सीरीज से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली एक टर्म होती है, ठीक है, तो अपने को खाली रिमेंबर रखना है, ठीक है, अपने को सिर्फ रिमेंबर रखना है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इस एक्स के ऊपर यहां पर, उसको अपन क्या कर सकते हैं, टेलर सीरीज की श्रेणी से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी अपने पास में, मिनिमम होगी यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, ठीक है, बिंदु पी पर स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा, कैसा मान होगा, ये न्यूनतम मान होगा अपने पास में। ठीक, कैसा मान होगा, ये न्यूनतम मान होगा। तो अगर मैं ये न्यूनतम मान की बात करूं, तो अपन किसको यूज कर सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन को। तो देखो, यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अब टेलर सीरीज क्या होती है, देखो हमारे पास में ना काफ़ी सारी सीरीज होती हैं, उनमें से मतलब पावर सीरीज भी होती है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, मतलब कुछ इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, जैसे e की पावर x होता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं अपन, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। साइन x हो गया, साइन x आ गया अपने पास में, तो साइन एक्स की भी अपनी सीरीज होती है, 1 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके सारी सीरीज अपने पास में ओपन होती है। तो हर फंक्शन एक सीरीज की फॉर्म में क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, हर फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज से ओपन होता है, उन्हीं में से एक सीरीज अपने पास में कौन सी आती है, एक सीरीज कौन सी आएगी अपने पास में, ये पावर सीरीज, ठीक है। अब पावर सीरीज का क्या मतलब होता है, देखो मुझे निकालना है इस x पॉइंट पर ux कितना आएगा, तो वो लिखेंगे ux। अब ux को कैसे निकालेंगे, हम इसके हर एक पॉइंट पे चेंज को लेंगे, ठीक है। टेलर सीरीज का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पे चेंज को लेंगे, अपन यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं ना इसको, तो इसका हर एक पॉइंट पे चेंज लेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, x नॉट से, तो यहां पे स्टार्टिंग कहां से करी, x नॉट से, फिर चेंज आया हल्का सा ऊपर लेके गए, तो चेंज भी देखो किसके साथ आएगा, x के, क्योंकि आप है ना इसको x के साथ ही आगे बढ़ा रहे हो, x की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस x नॉट, कितना चेंज हुआ है, इतना ही तो चेंज हुआ है। यहां से अगर मैं मान लेता हूं ये x पहले यहां इतना सा ही बढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा, तो x माइनस x नॉट, ये चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, चेंज हुआ
एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, जरूरी है सिंगल डेरिवेटिव का चेंज हो, ये चेंज जो है अपने पास में जरूरी नहीं है सिंगल डेरिवेटिव का चेंज होगा, ये डबल डेरिवेटिव का चेंज भी हो सकता है, ट्रिपल डेरिवेटिव का भी चेंज हो सकता है, तो इसमें कितने भी डेरिवेटिव्स के अपने पास में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में कहां पे चेंज कर रहे हैं अपन, एक्स नॉट पर ही इसको चेंज लेके आ रहे हैं, ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स नॉट पर, और ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब, और ये आगे तक अपने पास में कहां बढ़ता चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा डेल क्यूब यू, ये हो जाएगा एक्स नॉट, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट का क्यूब, अच्छा वहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, एक ठीक है स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपने पास में क्यूब, और एक चीज और आती है इनमें, यहां पर आएगा 2 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आगे तक आपके पास में क्या जाएगा बढ़ता चला जाएगा, मतलब जो x तक का आपने जो चेंज लिया है, इस x नॉट से x तक का चेंज जो होगा उसमें सारे डेरिवेशंस के चेंज ले लिए, हो सकता है डबल डेरिवेटिव से चेंज हो, सिंगल डेरिवेटिव से चेंज हो, वगैरह वगैरह अपने पास में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट बात कहां पे बात करूं, पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी शुड बी क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम मैंने बताया था, ठीक है। तो बिंदु पी पर स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, जो सिंगल डेरिवेटिव होगा इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास में, जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू तो अपने पास में कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। और यू एक्स नॉट जो अपने पास में होगा, यू एक्स नॉट जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, मिनिमम इसकी वैल्यू भी अपने पास में कितनी होगी, मिनिमम। तो डेल यू ओवर डेल एक्स जो होगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना आ जाएगा अपने पास में, मिनिमम आ जाएगा, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो अपने पास में डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो अपने पास में कितनी आएगी, जीरो आएगी, और जो अपने पास में यू एक्स नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा अपने पास में, मिनिमम होगा। ये एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, ठीक है अभी ऐसे ही काम चलाते हैं, ठीक है। तो अपने पास में यू एक्स नॉट कितना हो जाएगा अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में यू एक्स नॉट की, ये मिनिमम हो जाएगा। और अपने पास में जो ये डबल डेरिवेटिव होगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स नॉट पर, ये कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू कैसी होगी अपने पास में, पॉजिटिव होगी। तीन चीज़ें बता रहा हूँ इस पॉइंट पी पर। सबसे पहली बात तो मिनिमम अपने पास में क्या है, एनर्जी है, न्यूनतम एनर्जी है। दूसरी बात तो यू एक्स नॉट कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव अपने पास में कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं अगले उसमें चल रहा हूँ सेक्शन में, ध्यान देना। तो मैंने माना जो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है,
इसको मैंने कुछ K1 मान लिया या K मान लो, कुछ भी आपकी इच्छा जो करे, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं अपन, इसको K मान लेंगे, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या तो इसको K मान लेते हैं, ठीक है। और ये डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू को कितना मान लिया मैंने एक्स नॉट पर, इसकी वैल्यू कितना मान लिया K1, ये भी एक्स नॉट पर है। तो आपकी अब देखो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में यू एक्स नॉट, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स वाली टर्म तो खत्म, डेल यू ओवर डेल एक्स वाली टर्म तो ये खत्म हो गई अपने पास में, इस टर्म में तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसको वैल्यू को पॉजिटिव लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 1/2 के एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1/3, ये हो जाएगा K1 एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब, अच्छा 3 नहीं आएगा, ये 3 का फैक्टोरियल होता है, 6 आएगा 6, और ये अपने पास में कहाँ जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये आगे तक अपने पास में टर्म्स क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अगर एक्स नॉट को 0 पर रख दें तो यू एक्स नॉट का मान 0 हो जाएगा, यू एक्स नॉट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, यू एक्स नॉट का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये यहां पर एक्स नॉट जो है, ठीक है, एक्स नॉट जो है अपने पास में, इसका मान 0 इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे तो ये x का ही तो फलन है, मतलब इस x नॉट का ही तो फलन है ये। जब x नॉट में जो अपने पास है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जब उसकी वैल्यू ही तुमने 0 कर दी, ठीक है, तो अपने पास में फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी का कितना आ जाएगा, मान 0 हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स नॉट का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, इफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ यू एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में 0। वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में यू एक्स नॉट की, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ें अब, तो ये एक्स नॉट के मान कितना हो गया, 0 हो गया, रख दें तो यू एक्स नॉट का मान 0 हो जाएगा। इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू यू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारे पास में टेलर सीरीज कितनी बचेगी, यू एक्स, मतलब एक्स नॉट का मान 0 रखने का मतलब है, इस डायग्राम से अगर मैं समझाऊँ तो ये जो एक्स नॉट है ना, इस x नॉट को मैंने खिसका के यहाँ ले आया, इस ओरिजिन के ऊपर ले आया, ठीक है, इस x नॉट को खिसका के यहाँ ले आया। अगर मैं इसका डायग्राम एक छोटा सा बना के दूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने इसको, ये इस तरीके से यहाँ पे ले लिया मैंने इसको, ठीक है। इस x नॉट को, इस पूरे ग्राफ को इधर खिसका दिया, x नॉट को ओरिजिन पे ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में x नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा, ux बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 K1 एक्स क्यूब, और ये टर्म्स आगे तक आपकी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर On neglecting higher values, because x is very small, x का मान बहुत छोटा है, या x में परिवर्तन बहुत कम है, ऐसे बोल सकते हैं, x में परिवर्तन बहुत कम है,
ठीक है, बहुत कम है। तो अधिक मान वालों को अधिक घात को नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, क्यों मान सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू बहुत छोटी है, वैसी तो उसका क्यूब करोगे, उसकी पावर 4 करोगे, फिर पावर 5 करोगे, 6 करोगे, उनका मान और भी छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने इसको 0.2 ले लिया, इसका स्क्वायर करना 0.04, इसका क्यूब करना अब 0.008, और छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, और अगर आपकी पावर 4 जाएगी तो 0.00016, तो वैल्यूज अपने पास में स्क्वायर करने पे क्या होती जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो छोटी हो जाएंगी तो अपन आगे के मानों को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो अपने पास में जो ux बचेगा ना, अब कितना बचेगा, ux कितना हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, आगे के मानों को मैंने कितना मान लिया, नगण्य मान लिया। तो ये जो होता है अपने पास में, ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है आपकी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसकी, दोलित्र की। ठीक है, या फिर अपने पास में कंपन जो हो रहे हैं या दोलन हो रहे हैं, दोलन बोल देता हूं, दोलित्र तो नहीं, दोलित्र तो बहुत तरीके के होंगे और शायद हो सकता है कि सबकी एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाए, तो दोलन कर देते हैं अपन इसको। ये हो जाएगा अपने पास में दोलनों की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये, ऑसिलेशंस की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई अपने पास में, ये ऑसिलेशंस की। अच्छा, आगे देखें, अब जो इस पे कार्यरत बल होगा, क्योंकि यहाँ पे संरक्षी बल होते हैं सारे के सारे, कैसे होते हैं ये, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव संरक्षी बल होते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास में बल होगा, वो बल कितना आएगा, बल या फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, एफ बराबर कितना होता है, माइनस के डेल यू। ठीक है, एफ बराबर कितना होगा, माइनस के डेल यू। तो F बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा अपने पास में माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आई कैप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, अच्छा ये U नहीं आएगा ना, X आएगा, डेल एक्स, इसको ओपन कर दिया ना, क्योंकि अपन अभी किस में बात कर रहे हैं, सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स में ही ओपन होगा। ठीक है, वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर माइनस के एक्स आई कैप। ठीक है, ये कौन सा नियम आ गया आपका, हुक्स लॉ, मैंने कल प्रीवियस की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें ही बताया था मैंने। ये होगा आपका पास में क्या, हुक्स लॉ, और यही आपके दोलनों में क्या होता है, या SHM में जो बल लगता है वो भी यही होता है। ठीक है, दिस इज वॉट, दिस इज हुक्स लॉ। ठीक है, या फिर SHM फोर्स भी बोलते हैं इसको, सरल आवर्ती गति में जो अपने पास में बल लगता है वो ये इतना ही होता है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो FX जो होगा, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है अपने पास में, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस के kx।
और ये नेगेटिव साइन मैंने आपको पहले ही बताया था, इस नेगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या होता है कि जो भी अपने पास में फोर्स लगेगा उस कण के ऊपर वो हमेशा इसके कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। कैसी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आपने जो विस्थापन किया, इधर देखना, इधर समझना, आपने विस्थापन किया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर आपने विस्थापन किया है, फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने वो कल बताया था ना आपको, वो डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। अब इसमें इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ये डायग्राम, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पर अपने पास में बॉल रखी हुई है। अब इस बॉल को क्या किया मैंने, हल्का सा डिस्प्लेस किया, मैं मान लेता हूँ ये पहले किस डायरेक्शन पे थी, ये एक्स नॉट के ऊपर रखी हुई थी, और यहाँ तक जब आई बॉल यहाँ आ गई अब आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बॉल आई, ये यहाँ पर कहाँ पे पहुँच गई, एक्स के ऊपर पहुँच गई, ठीक है। तो इधर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पर जो डायरेक्शन लग रहा है अपने पास में, मैं इसको इसी पेन से नोटेट कर देता हूँ वाइट वाले से, इस पर जो अपने पास में आपने डायरेक्शन दी विस्थापन की, वो किस डायरेक्शन में गया, इसमें। लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा ना, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तभी तो वापस लौट के आएगी। आप यहाँ पे रख दो, इधर की तरफ लौट के आ जाएगी दोबारा, कितना ही यहाँ रख दो, 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 लौट के दोबारा उसी पॉइंट पे आएगी। इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ काम करेगा। विस्थापन आप कितना ही कुछ कर लो, अब यहाँ पे तक करोगे तब भी फोर्स इधर की तरफ ही काम करेगा। देखो दोनों पॉइंट में फोर्स आपका उसी पॉइंट पे, जो आपका जो मुख्य बिंदु है या फिर जो जिस पॉइंट से आपने इसको स्टार्ट किया था ऑसिलेशन करवाना, उसी पॉइंट पे दोनों फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। तो ये तो फोर्स हो गया आपके पास में, और ये अपने पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो ये तो बल की बात कर रहा हूं मैं, और ये क्या है, विस्थापन। और दोनों ही स्थिति में देखूं तो F जो है अपने पास में वो कितना जा रहा है, माइनस के kx, इसीलिए माइनस का साइन इंडिकेट होता है, ठीक है, इसीलिए ये माइनस का साइन इंडिकेट होता है। यहाँ पे फोर्स आपका कैसा होता है, यहाँ पे फोर्स कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। किस नेचर का होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये मेरे को समझाना था, कौन सा कर्व बता दिया मैंने आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बताया, ये भी मैंने बताया कि पी पॉइंट आपका कैसा पॉइंट होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, क्यू पॉइंट कौन सा होता है, ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन, ये यहां पे आएगा, ठीक है, अस्थाई संतुलन। और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है आपकी, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, जबकि अपने पास में यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम, ठीक है, वो कैसी होगी अपने पास में, मिनिमम। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अपने पास में, मिनिमम होगी, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और साथ ही साथ में एक और मैंने पॉइंट बताया था आपको, ठीक है, मैं वो भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। वो पॉइंट होता है, वैसे उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के तौर पे समझना इसको। अगर आपके पास में, या फिर मैं इसको ऐसे बताऊँ कि जैसे इस तरीके से कोई भी एक अपने पास में कर्व बना हुआ है, और ये एक जगह पर जाके सीधा अपने पास में स्ट्रेट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अभी भी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर कितनी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा अपने पास में, ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में मैक्सिमम तो रहेगी, लेकिन ये जो पॉइंट होगा ना, ये न्यूट्रल स्टेबिल, न्यूट्रल रहेगा आपका, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्योंकि इसमें एक बार बताओ, आप जो इस पे फोर्स लगाओगे
कुछ भी आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट दोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दोगे, ये दे दिया मैंने, यहाँ से यहाँ खींच दिया मैंने इस बॉल को, इस पर कोई प्रत्यानयन बल लग रहा है क्या? कोई प्रत्यानयन बल लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास में इसका जो स्लोप होगा डेल यू ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो फोर्स भी कितना आएगा? जीरो। जब फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो ऐसे पॉइंट पे आप कितना ही धक्का दे लो वो मोशन में तो रहेगा, वो पॉइंट आगे तो खिसकेगा, लेकिन उसका जो अपने पास में रिजल्ट आएगा, जो इक्विलिब्रियम का जो अपने पास में कहा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जो रिजल्ट होगा वो ऐसे रिजल्ट होगा, ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी, हम डिस्कस नहीं कर सकते उसको SHM की तरह, ठीक है, वहाँ पे ऑसिलेशंस नहीं हो सकते अपने पास में। तो ऑसिलेशंस दो पॉइंट पे नहीं हो सकते, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दोनों ही स्थिति में देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी? मैक्सिमम है। दोनों स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। इसका मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, सबसे मिनिमम होगी, वहाँ पे आपका पार्टिकल क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर सकता है या फिर SHM की कंडीशन को बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, वैसे है नहीं तो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया आपको। तो अब ये आप उतार लो एक बार फटाफट। अच्छा इसको तो छोड़ो, ये अब देखो, इसके अलावा ना मुझे थोड़ी सी एक चीज़ और बतानी है आपको, ध्यान देना। इसी में जो F बराबर कितना आया अपने पास में? माइनस के एक्स। सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बल या ऐसा फोर्स जो स्टोर करता है एनर्जी को, क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्प्रिंग, ठीक है, और कैपेसिटर, कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है, मतलब जो भी चीज़ें अपने पास में स्टोर कर सकती है ना, जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, ठीक है, ये बोला जाता है इसको। U कितना आ रहा है आपके पास में? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। U कैसा आ रहा है अपने पास में? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इनका ग्राफ खींचूं, पूछ लेता है, अगर मैं F बराबर माइनस के एक्स का ग्राफ खींचूं, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है आपसे, तो ये बताओ ये कैसा ग्राफ होगा? F बराबर के एक्स, ये अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। Y बराबर एम एक्स, Y बराबर कितना है? एम एक्स। ये अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन है, बट स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये F बराबर किसका होगा? माइनस के kx का। अगर मैं वही बात करूं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। U बराबर कितना होगा? हाफ kx स्क्वायर। तो ये कुछ आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, पैराबोलिक, ठीक है। ये कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। तो ये अपने पास में एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? SHM के लिए। तो मतलब F बराबर माइनस के एक्स और जो U बराबर के एक्स स्क्वायर है, ये दोनों ही कंडीशन किसके लिए होती हैं? SHM के लिए, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये दोनों चीज़ें अपने को मिल रही हैं किसी भी कण के लिए, तो अपन बता सकते हैं कि वो जो कण है वो किस गति के अंदर है? सरल आवर्त गति के अंदर है, ठीक है, सरल आवर्त गति, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल कि भाई ये अपने पास में चीज़ें कौन कौन शो करता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अभी इसको छोड़ो, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा। ये स्प्रिंग ये देखो आप, स्प्रिंग जो है आपके पास में, ये इसको कितना ही अपन स्ट्रेच करें इस तरीके से ऑसिलेशन करेगी। ये देखो, ये अपने पास में कोई भी एक स्टिक ले ली, जो इलास्टिक स्टिक है,
उसको इस तरीके से खींच के और ऐसे कर दिया तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। स्केल को ले लेना, स्केल को खींच के, जो लोहे वाली स्केल होती है ना, कांच वाली नहीं, कांच वाली तो बिगड़ जाएगी, लोहे वाली स्केल को लेना और फिर इस तरीके से वो करना नोटेट, ठीक है। अपने पास में क्या होगा, ऑसिलेशंस मिलेंगे अपने को, ठीक है। क्या मिलेंगे, ऑसिलेशंस मिलेंगे। ये तो खुद ही ऑसिलेट होके गिर गया अभी यार, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी स्प्रिंग का बता रहे हैं, ये सिंपल पेंडुलम, मैंने कल ही समझाया था आपको इस सिंपल पेंडुलम के बारे में। अच्छा, अपने पास में जो ये H2O जो होता है ना मॉलिक्यूल, ये वाला H2O की नहीं बात करूंगा मैं, सारे मॉलिक्यूल्स का एक आइडिया दे देता हूं आपको थोड़ा सा। इधर ध्यान देना, देखो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इधर ध्यान देना एक बार। जैसे ये अपने पास में H, ये O और ये H, ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड ही तो बनाएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस अब मैं तो सिंगल बॉन्ड से ही काम चला लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का काम है भैया। अपने तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मान के चलेंगे भाई, ये अपने पास में HOH होता है, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बन गए ना, ओके, एक ये, ठीक है, अब याद आ गया, है ना। तो ये अपने पास में क्या होगा, HOH, ये H2O का स्ट्रक्चर होता है, ये किसका स्ट्रक्चर है, H2O का। तो यहाँ पर ये बॉन्ड होता है, जब इसकी हम एनर्जी बढ़ाएं, इसको मतलब कुछ तापमान दें या टेम्परेचर दें इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा, इस बॉन्ड में ना कुछ लचीलापन आ जाएगा, इस बॉन्ड को कुछ एनर्जी मिलेगी और ये बॉन्ड टूटने की उस पर आएगा, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं तुम्हारे, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर होता है डिसोसिएशन एनर्जी, कि भाई अगर अपन किसी बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो उसको जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है, जो बॉन्ड को अलग अलग कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये एकदम से नहीं टूटेगा, पहले इसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस आएंगे, लचीलापन आएगा। तो ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, और ये कंपन करेगा किसी एक मीन पोजीशन पे, इसका मतलब ऑसिलेशंस बनाएगा, ऑसिलेशंस बनाएगा, तो ये SHM प्रोड्यूस करेगा, बशर्ते जब तक SHM प्रोड्यूस करेगा, जब तक आपका टेम्परेचर उसी पे कांस्टेंट है जिस पे वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एनर्जी और गेन कर लेगा, और एनर्जी गेन करेगा तो ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं H2O का ही केस होता है, ये हर मॉलिक्यूल के लिए है। जैसे CO2, मैं इसकी बात करूं तो ये भी ठीक है, इसमें भी यही केस है, ठीक है। तो अपने पास में जितने भी अपने पास में मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी SHM प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। और ये जो अपने पास में बॉन्ड होते हैं ना, इनको अपन स्प्रिंग की तरह मान के चलते हैं, किसकी तरह, एक स्प्रिंग की तरह, इस तरीके से, क्योंकि आपकी स्प्रिंग ही ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे करती है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, इधर उधर गति करती रहेगी, जिसको अपन क्या बोलते थे, ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, या फिर दोलन गति बोला जाता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जिसको बोलते हैं। तो ये एक चीज़ था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ये क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया आज, और इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि अपने पास में प्रत्यानयन बल होता है, ये अपने पास में क्या आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है, और ये किस कंडीशन में आती है अपने पास में, SHM की कंडीशन में आती है। किसकी कंडीशन में आएगी, ये SHM की कंडीशन में आएगी। तो अब जो अपने पास में नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब SHM तो अपन ने प्रोड्यूस कर लिया, SHM प्रोड्यूस कर लिया, SHM की एनर्जी भी निकाल ली, SHM पे लगने वाला फोर्स भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये सब कुछ अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब किस तरीके से अपन और कंडीशंस पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो अपने पास में मोशन होगा कैसा होगा, SHM होगा। बिसाइड दैट, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे कि भाई SHM के अपने पास में कौन से नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस पाई जाती है, कौन कौन से अपने पास में एग्जाम्पल्स होते हैं। साथ ही साथ में SHM में विस्थापन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये सब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राधे राधे।